पांडवों ने जुए में हारी थी द्रौपदी। कलयुग में खुद ही मकान मालिक के हाथों हार गई महिला, पति परेशान। सट्टेबाजी का ऐसा चस्का कि एक महिला अपने पति को 28 बार भेजवा चुकी है जेल। आप भी बचकर रहिए। आईपीएल में सट्टा खेलते खेलते पति ने पत्नी को लगाया दांव पर, लोगों ने पत्नी को किया परेशान तो पहुंची थाने। द्वापर युग में पांडवों ने जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाया था, लेकिन कलयुग में एक महिला अपने आप को ही दांव पर लगा दिया। यह किस्सा ऐसा है जिसे सुनकर सब हैरान हैं। पहले यूपी के प्रतापगढ़ का यह किस्सा सुनिए, फिर आपको उस महिला के बारे में भी बताते हैं जो अपने पति को सट्टेबाजी के चक्कर में 28 बार जेल भेजवा चुकी है। दरअसल प्रतापगढ़ में एक महिला किराए के मकान में रहती थी। उसका पति राजस्थान में मजदूरी कर पैसे भेजता था, लेकिन महिला को लूडो की ऐसी लत लगी कि वह मकान मालिक के साथ पैसे दांव पर लगाकर लूडो खेलने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब उसके पास दांव पर लगाने के लिए पैसे नहीं बचे, तो उसने कहा कि अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, पति को छोड़ दूंगी, और वो हार गई। उसके बाद उसने पति को फोन करके कहा, हेलो, मैं लूडो में खुद को मकान मालिक के हाथों हार गई हूं। यह सुनते ही राजस्थान से भागकर पति उस मकान में पहुंचा, जहां मकान मालिक की मां ने कहा, मेरा बेटा तुम्हारी पत्नी को लूडो में जीत चुका है, इसलिए अपना रास्ता नाप लो। उसका पति थाने के चक्कर काट रहा है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि वह उस मकान मालिक को बता सकेंगे, लेकिन महिलाओं या पुरुषों को जिस तरह की सट्टेबाजी का चस्का लग रहा है, वह समाज और परिवार दोनों के लिए बुरा है। राजस्थान से सटे ठोलपुर में तो एक महिला ने हद ही कर दी। पति का आरोप है कि वो मजदूरी कर पैसा भेजता था, वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे उड़ा देती थी, सट्टा बाजार में लगा देती थी। कई लाखों रुपए वह अब तक गंवा चुकी है। मैं उसे मना करता हूं तो वह थाने कुछ पुलिस कर्मियों की मिली भगत करके हमें जेल भिजवा देती है। अब तक वह 28 बार हवालात की हवा खा चुका है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक ऐसा ही मामला करीब 5 साल पहले कानपुर से भी सामने आया था, जहां पर पति ने अपनी पत्नी को ही सट्टे पर दांव पर लगा दिया था। इस नाम पर उसने मार्केट में कुछ लोगों से पैसे उधार, और जब हार गया तो घर छोड़कर भाग गया। उसके बाद उसके घर पहुंचकर कई लोगों ने उसकी पत्नी के साथ गंदी हरकतें की। परेशान होकर वह थाने पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। जब जब देश में वर्ल्ड कप या आईपीएल का सीजन आता है, सट्टेबाजी की खबरें बढ़ जाती हैं। दोहा के इंटरनेशनल सेंटर फॉर सपोर्ट सिक्योरिटी ने साल 2016 में अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि अवैध सट्टेबाजी का कारोबार 150 बिलियन यानी करीब 10 लाख करोड़ रुपए का है। जस्टिस लोहा कमेटी ने ये सुझाव दिया था कि इंग्लैंड की तरह इंडिया में भी सट्टेबाजी को लीगल कर देना चाहिए, जिससे सरकार को अरबों रुपए का राजस्व मिल सकता है। पहले यह सट्टेबाजी ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन सट्टेबाजी का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, जिसे अगर नहीं रोका गया न जाने कितने परिवार बर्बाद होंगे। कोई सट्टा बाजार से लाखों कमाता है तो कोई करोड़ों गंवाता है। अगर आप भी इन चक्रों में पड़े हैं, जहां आपके घर में किसी को ऐसी लत लग गई, तो उसे पैसे देने बंद कर दीजिए और उसके खिलाफ पुलिस को सूचित करिए, ताकि आपका परिवार टूटने से बच सके। हमने आपको यह कहानी इसलिए सुनाई ताकि आप बचकर रहें और दूसरों को भी बचकर रहने की सलाह दें।